आदाब, मैं हूं जावेद अनवर और आप देख रहे हैं तरकश। हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं, ये बात कही थी संविधान निर्माता, अर्थशास्त्री, राजनीतिक और समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। हम सभी उनको कई रूपों में जानते हैं, चाहे वो संविधान निर्माता हो, राजनीतिज्ञ हो या फिर समाज सुधारक हो, लेकिन आज उनके एक बहुत ही अहम रूप से आपको रूबरू कराएंगे जो आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक है, और वो है एक महान अर्थशास्त्री। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान समय की परिस्थितियों में उनके आर्थिक पक्ष और अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए उनकी नीतियों को जानना बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने अर्थशास्त्र में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तथा कोलंबिया विश्वविद्यालय से एक नहीं बल्कि दो डॉक्टरेट की डिग्रियां ली थी, आज भी किसी बड़े अर्थशास्त्री के पास डॉक्टरेट की सिर्फ एक ही डिग्री है। आज़ादी से पहले कई बड़े अर्थशास्त्री थे, जिनमें दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, रमेश चंद्र दत्त, महात्मा गांधी जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं, लेकिन किसी के पास भी डिग्री नहीं थी। सबसे पहले आपको बताते हैं उनकी योग्यता के बारे में। साल 1912 में बंबई के प्रख्यात एलिफेस्टन कॉलेज में अर्थशास्त्र एंड राजनीतिक शास्त्र में बीए की डिग्री प्राप्त की थी। बड़ौदा के महाराजा द्वारा स्कॉलरशिप मिलने के बाद 1913 में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था। 1915 में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की पहली डिग्री प्राप्त की थी। फिर 1916 में उन्होंने भारत का राष्ट्रीय लाभांश का विश्लेषणात्मक अध्ययन विषय पर थीसिस लिखकर दूसरी एमए की डिग्री प्राप्त की। 1921 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में एमएससी की डिग्री प्राप्त की। 1923 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डॉक्टर ऑफ साइंस की पहली डिग्री प्राप्त की। 1927 में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की दूसरी डिग्री प्राप्त की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अर्थशास्त्र पर तीन किताबें भी लिखी थी। पहली किताब का नाम एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, और तीसरी किताब थी द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, अ स्टडी इन द प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस। अब बात करते हैं उनके आर्थिक सुधार नीतियों की, जिनके हमें आज भी जरूरत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कृषि क्षेत्र में छोटी जोतों एवं बिखरे हुए होने के चलते सामूहिक कृषि तथा कृषि क्षेत्र में छुपी बेरोजगारी के समाधान के लिए बड़े उद्योगों और औद्योगिकीकरण के समर्थक थे। जिन उद्योगों में बहुत बड़ी पूंजी की जरूरत हो, वहां सरकार को पूंजी का निवेश करना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत में गरीबी का कारण सामाजिक व्यवस्था को मानते थे, इसलिए वे सामाजिक आर्थिक समता के पक्ष में थे। आर्थिक विकास के लिए केंद्रीय नियोजन के बजाय विकेंद्रित नियोजन यानी राज्य सरकारों द्वारा अपनी योजनाएं खुद बनाने के समर्थक थे। औद्योगिकरण और कृषि विकास से भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो सकती है। उनका मानना था सरकार को प्राथमिक उद्योगों के रूप में कृषि में निवेश पर जोर देना चाहिए। उनका एक विचार ये भी था कि हम कह सकते हैं समस्या संपत्ति में नहीं है बल्कि उसके असमान वितरण में है। तो ये थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अर्थशास्त्र की कुछ नीतियां जो वर्तमान समय में भी प्रासंगिक हैं। बता दें कि बाबा साहब अंबेडकर ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में भी अहम भूमिका निभाई थी। उनके दिए गए दिशा निर्देशों या निर्देशक सिद्धांत के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक बनाया गया था। आज उनकी 129वीं जयंती है। इस अवसर पर हम सब भारत रत्न और सामाजिक न्याय के पुरोधा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्य स्मृति में नतमस्तक हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।